एजुकेशन में एडमिशन कराया, वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है, वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम भी पढ़े लिखे थे, इसके बाबा का सपना था कि ये खूब पढ़े, तो पापा कहेंगे एक काम करो कमरा लो, यहाँ से निकलो, यहाँ का माहौल नहीं अच्छा है। पापा के ये शब्द थे। इन्होंने कमरा देखा 1500 रुपये का चौबेपुर में, शांति नगर में, दीक्षित का मकान है, पता लगा लो जाके। देख के आए थे, हमको बताया था सेकंड फ्लोर पे कमरा है, देख के आए। ये आए कह वर्षा ऐसी सी बात है। हमने कहा ठीक है, अभी तो एडमिशन हो नहीं रहे, फालतू फीस फालतू जाएगी, जुलाई में एडमिशन करा देंगे हम लोग। जुलाई, अभी कितनी जुलाई भैया है, उसके बाद इनका ये डिसीजन हुआ कि कान्हा अभी छोटा है, पैसे भी इतने पास में नहीं है, एक काम करो अब की साल और इसी स्कूल में झेल लो, अगले साल कान्हा और इसको दोनों का एडमिशन 3DPS में कराएंगे। क्या गलती थी भैया ये बताओ। तो फिर आप लोग क्यों नहीं गए मार्च में जब घर देख लिया था? कोरोना नहीं हो गया था कैसे? और इनको इसमें डेट पड़ी होगी 30/29/30/1 में पापा वहाँ दिखा के आए थे, ये दोनों दवाएं पापा खरीद के रख के गए पैकेट। देखो भैया सच सामने लाने का है तो ये देखो हम किससे किससे होंगे। ये देखो भैया, ये पापा खरीद के रख गए मम्मी को दवा, बोला था 4 दिन केवल इनको देख लो, अगर ये नहीं चल पाती तो इन्हें हेलट ले जाओ। हाँ इतनी दवा है। ये देखो भैया हम क्या करें, ये देखो भैया ये दवा शुगर हार्ट पेशेंट ये हैं, जब बाबू मेरा पेट में था तो इनको हार्ट की बीमारी हुई थी, निकलवा लो जाके वहाँ से कार्डियोलॉजी से, सब रिकॉर्ड निकल आएगा। तब हम लोग घड़ी फैक्ट्री में थे, जब अभी विकास दुबे को 22 महीने जेल हुई थी तो हम लोग घड़ी फैक्ट्री में गए थे, मेरे हस्बैंड का मेरे पापा का कोई नाम नहीं आया था क्योंकि हम लोग यहाँ थे ही नहीं। अब की मत भ्रष्ट हो गई थी जो यहाँ 1 साल से आ गए। ये देखो भैया दवाई सब झूठी है, क्यों नहीं है भर्ती कराया कोरोना की वजह से, ये मेरी मेरा था पता नहीं जैसे आज आप लोग इस जगह पे सिर्फ कोरोना की वजह से, वरना आप लोग यहाँ पे ना होते। विकास दुबे तो मम्मी का नहीं, मतलब मम्मी का नहीं मतलब था, मम्मी अगर ठीक होती, मम्मी कह भी रही थी कि इनको रहने दो क्योंकि पापा मतलब कुछ ज्यादा ही वो करते थे, तो मम्मी कहेंगी इनको रहने दो, बच्चों को लेके निकलो अपने तुम और हम भी वहीं आ जाएंगे, वहां से अस्पताल जाने में भी ठीक रहेगा। इस कांड में ये जो गोली कांड हुआ था इसमें आपके पति आपके ससुर का कोई हाथ नहीं? मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है। मेरे पति 14 साल से, जिस माँ ने अपने बच्चे को 2.5 साल के बच्चे की तरह संभाल के रखा है, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, 14 साल से मेरे हस्बैंड RSPL में जॉब कर रहे थे, कुछ RSPL की जर्जर कॉलोनी थी, ये कह के हम लोग को खाली करवाया गया। क्या नाम है आपके पति का? शशिकांत पांडे, घर सोनू, सोनू सब लोग कहते थे सोनू पांडे। बता तो रहे भैया इतनी गोली चल रही थी तो मम्मी का हाय बहुआ भाग जाओ, मम्मी ने उनको भगा दिया, अब यहाँ गोलियां चली। डर था कि गोली उनको भी लग सकती है। मम्मी इस मम्मी को केवल एक डर था कि मेरा लड़का हमेशा बरी रहा है, मेरा लड़का बरी रहे, कोई केस ना लगे उनके ऊपर, इस वजह से फिर उनका भी नाम आ गया है। तो मतलब नाम भैया क्यों नहीं आएगा, जब यहाँ डाला मार के तो नाम मेरे घर मेरे दरवाजे पे डाला, नाम नहीं आएगा। आपने पुलिस अधिकारियों से नहीं बात करी अपनी बात? सबको सबको बताया हमने, सबको बताया ये बात, और बाकी हमने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, हमने सबको बताया ये बात। क्या मांग है आपकी, आप क्या मांग करती हैं? आपके ससुर का क्या नाम था? प्रेम कुमार पांडे। उनके साथ अभी क्या हुआ? उनको मार दिया गया है। हम सब पुलिस वालों के पैर पकड़ते रहे कि हमें अस्थियां दे दो, जो CO साहब मरे थे उनकी बेटी ने दाह संस्कार किया था, तो हमने कहा हमें अस्थियां दे दो, हम दाह संस्कार कर लेंगे। ना डेड बॉडी दी गई, ना हमें अस्थियां दी गई। अब उनका बेटा बच्चा हमें, मतलब हर माँ का बच्चा है, हर औरत के पास बच्चा है, हम केवल यही बात कर रहे हैं इनका बस बेटा सलामत बना रहे बस। आज आप इन सब चीजों के लिए किसको जिम्मेदार है? क्योंकि बहुत कुछ हो गया, आपने भी बहुत कुछ खो दिया है, अब क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है आज आपकी ये जो मेरी बर्बादी का कारण ये घर, क्योंकि जो अभी मम्मी ने प्लास्टर करा डेकोर, अगर ये घर प्लास्टर ना हुआ होता भैया तो क्या हम लोग यहाँ रहने आते बच्चों को लेकर के? और एक कोरोना, अगर कोरोना ना हुआ तो हम लोग चले जाते रहने चौबेपुर। अब कुछ मेरी भी मत भ्रष्ट थी, इनको अगर हम हैलट में भर्ती कर देते तो आज इनका लड़का इनके पास होता, पापा भी इनके पास होते, हमें क्या, हम यहाँ पड़े रहते, क्या हम गोली चलाएंगे? आज विकास दुबे को भी पकड़ लिया गया है, क्या लगता है उससे कुछ आप लोगों को राहत मिलेगी? आपके पति अब भैया दुनिया में इतने आदमी दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपनी माँ नहीं दिखेगी, अपना बाप नहीं दिखेगा, तो कोई दिखेगा नहीं आपको। इतने आदमी दिख रहे हैं, मेरा आदमी नहीं है तो कोई नहीं है। हम वो 8 जो पुलिस वाले मरे हैं उनकी हाय की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है, वो भी तो किसी के बच्चे थे। वो कह रहे थे यहाँ पे मम्मी से, अम्मा खोल दो, अम्मा खोल दो, मम्मी ने, मम्मी चल नहीं पाती, मम्मी ने डंडा उठाया, यहाँ झड़झड़ झड़झड़ गोली पड़ने लगी, वो बूढ़ी औरत बचा लेती, बताओ अच्छा किसी हाय किसी की? मेरे हस्बैंड ने कभी किसी की हाय नहीं ली है, और तभी भगवान, अगर भगवान है कहीं तो उनका बाल बाका नहीं होगा।
हम मंदिर जाते थे अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड 50 कानून। पहले से कोई मुकदमा था? कोई बता तो रहे, दीदी के खत्म होने के बाद मम्मी ने विकास दुबे के साए से इनको दूर रखा है। एक साल से जब से हम यहाँ आए तब से ये हो गया कि हाँ कुछ यहाँ दहशत भी है सबकी। कहीं जाते थे तो बोलते थे चलो।